संसद की कार्यवाही के छठे दिन सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जारी है। ऐसे में सदन में माइक बंद किए जाने को लेकर लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सख्त नाराजगी जताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा है। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में क्या, आपके माइक कंट्रोल है क्या, कंट्रोल है क्या, नहीं है ना, फिर बोला नहीं है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के नेताओं का माइक बंद करने के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सदन आसन व्यवस्था के अनुसार चलता है, आसन पर बैठे व्यक्ति के पास माइक का कंट्रोल या रिमोट नहीं होता। इस आसन पर विपक्ष के नेता भी बैठते हैं, ऐसे में इस तरह का आरोप लगाना सही नहीं है। माननीय सदस्यगण, एक विषय मेरे लिए गंभीर चिंता का विषय है, अब सदन भी इस पे चिंता व्यक्त करें। कई माननीय सदस्य बाहर ये आरोप लगाते हैं कि माननीय अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी या आसन पर बैठे व्यक्ति माइक बंद कर देते हैं। आप बरसों तक, आपको कई साल हो गए, आपका अनुभव है, मेरी बात सुनिए, आपका अनुभव है, आप मुझसे भी वरिष्ठ हैं, आप पुराने सदन में भी हैं, नए सदन में भी हैं। आसन से एक व्यवस्था रहती है, जिसका नाम पुकारा जाता है वो अपनी बात कहता है, आसन व्यवस्था दे देती है दूसरा नाम तो दूसरा पुकारा जाता है। आसन से व्यवस्था के अनुसार माइक का कंट्रोल चलता है, माइक का कंट्रोल रिमोट कभी भी आसन पे बैठे वाले व्यक्ति पे नहीं होते। आसन पर आप भी बैठते हैं, सब दल के व्यक्ति बैठते हैं और सभी दल के सभापति तालिका के सदस्य इसी तरीके से सदन चलाते हैं, चाहे किसी भी दल का सदस्य हो, और ये आसन की हमेशा मर्यादा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है, आप कभी भी कोई भी व्यक्ति सभापति तालिका पर आसन पर बैठे हैं इस तरीके का आक्षेप नहीं करेंगे तो उचित रहेगा, संविधान की मर्यादा के अनुसार लेके। माननीय सुरेश जी भी बैठते हैं, सुरेश जी ने कभी किसी का माइक हाथ में क्या, आपके माइक कंट्रोल है क्या, कंट्रोल है क्या, नहीं है ना, फिर बोला नहीं है। सुरेश जी ने कह रहा नहीं है कंट्रोल, आप सुरेश जी की बात नहीं मानते। नौ गौरतलब है कि 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के पहले दिन से ही हंगामा लगातार बरकरार है, खासकर नीट परीक्षा विवाद को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। इसी कड़ी में बीते शुक्रवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही एक बार फिर कुछ गहमे उस वक्त देखने को मिली, जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने माइक शुरू करने की मांग की। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि माइक का बटन उनके पास नहीं है। हालांकि इसके बाद नीट प्रवेश परीक्षा मामले पर चर्चा को लेकर विपक्ष की मांग के बीच सदन में हंगामे के कारण लोकसभा 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसके बाद आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिना नाम लिए राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष को जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।